गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग की हाल चाल जी। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। मतलब फाइनली प्रोफेशनल में एंट्री हो चुकी है, और प्रोफेशनल में आने के बाद मेरे को लग रहा है एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है, और वो फील भी हो रही है हमें 2 दिन से। सर इतने सारे लड्डू और इतनी सारी काजू कतली खा ली है ना मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है, हमें अलग फीलिंग आ रही है, तो इन बच्चों के लिए एक अलग ही फीलिंग है। बट सर काफी सारे बच्चों के ना डाउट्स भी हैं। आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे मिलने के लिए भी आए, और डाउट्स मन में ये चल रहे हैं। जिन बच्चे जितने बच्चे मिलने के लिए, फेस टू फेस हो गया, फोन कॉल्स हो गया, तो डाउट्स मेनली ये निकल के आ रहे हैं कि सर हमें ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, और दूसरा फिर ट्रेनिंग हमें कब करनी है, ईडीपी हमें कैसे करनी है, हमें फेस टू फेस क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, और सबसे बड़ा डाउट जो ये है कि सर आपके बैचेस नए स्टार्ट कब होंगे। तो ये पूरी की पूरी ये जितनी भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए हमने एक प्लान किया है कि अगर हम गाइडेंस सेशन लेके आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने भी सीएस प्रोफेशनल के बच्चे जिन्होंने अभी एंट्री ली है और जिनके भी एग्जाम अभी दिसंबर एग्जाम का, आई थिंक सर दिसंबर ही पड़ेगा। हाँ हाँ, सर, दिस तो जिनके भी एग्जाम अभी दिसंबर के अंदर होंगे, तो आपको ग्रुप 1 देने हैं, ग्रुप 2 देने हैं, फेस टू फेस, ऑनलाइन, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, आप उन डाउट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम सेशन प्लान कर रहे हैं उसके अंदर आपके हर डाउट्स को रिप्लाई किया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि हमें प्रोफेशनल के अंदर बढ़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल सर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, मतलब उनको प्रॉब्लम क्या कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल में आ तो चुके हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आगे हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कि अब मतलब कई बच्चों को लग रहा है कि 7 पेपर क्या हम एक साथ दें, या ग्रुप 1 पहले, ग्रुप 2, और अगर दोनों में से कोई एक भी देना है तो पहले कौन सा ग्रुप दें। तो राइट मैं ये बोलूंगा जीडी सर आप बताओ बिल्कुल पहले तो वो सेशन हमारा कब होगा, फेस टू फेस होगा या यूट्यूब पे लाइव भी होगा, और उसके अंदर हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे, प्लीज ब्रीफ के अंदर बताएं सर। बिल्कुल सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी स्टूडेंट जो सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं, और बहुत अच्छी जर्नी रही उनकी अभी तक और आगे और बढ़िया रहेगी। और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया सर कि गाइडेंस सेशन जो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखना है दैट विल बी ऑन 1st ऑफ मार्च फ्राइडे को। तो 1st ऑफ मार्च फ्राइडे को जो बच्चे फेस टू फेस आ सकते हैं वो जरूर से उसको फिजिकल मोड में आके अटेंड करें एट लक्ष्मी नगर। तो लक्ष्मी नगर में हमारा गाइडेंस सेशन होने वाला है, और टाइमिंग रहने वाली है सर 11 बजे से। तो 11 बजे ग्यारह हम से मॉर्निंग में एक गाइडेंस सेशन रखेंगे, 11 से 1 बजे तक कह रहा हूँ। ठीक है और ये जो गाइडेंस सेशन होने वाला है ये फेस टू फेस भी होने वाला है और यूट्यूब पे लाइव भी होने वाला है। ठीक है तो ये बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी डाउट्स हैं लाइक एनी डाउट रिगार्डिंग सीएस प्रोफेशनल वो आप हमसे उस दिन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक क्वेरीज आई है उनके हिसाब से, तो वो होने वाला है कि एक तो जैसे आपने बोला कि सर विच ग्रुप इज टू बी ऑप्टेड, और सेकेंडली बच्चों को ट्रेनिंग को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं सर, बहुत सारे डाउट्स हैं कि ईडीपी कब करनी है और ट्रेनिंग अभी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लाइक एग्जाम्स के पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें या पहले एग्जाम दे लें देन ट्रेनिंग करें। तो मेरे को लगता है ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और एक प्रॉपर सेशन हो जाएगा तो उससे इन सबको एक जगह पर सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो बिल्कुल उसी इंटेंशन से हम लोग गाइडेंस सेशन रख भी रहे हैं सर। तो हम लोग मिलेंगे 1st ऑफ मार्च को, डेट इज फ्राइडे, 11 बजे लक्ष्मी नगर पे। तो प्लीज एक बार ये टाइम नोट कर लो, 1st ऑफ मार्च। और हमारी आई थिंक सर 26 तारीख तो हो ट्वेंटी चुकी सिक्स सर है, हाँ जी ट्वेंटी सर सिक्स तो ट्वेंटी आज सिक्स हमारी यही है, तो 27, 28, 29 29 का तीन महीना है, दिन के बाद तो 1st ऑफ मार्च को फ्राइडे को मिल रहे हैं लक्ष्मी नगर में, 11 बजे पहुंच जाना सारे के सारे बच्चे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप फेस टू फेस सकते हो फेस टू फेस जरूर आना, मतलब कम से कम ना सर बिल्कुल मिल भी लेते हैं बच्चे इसी बहाने कि कभी सर। हमने लंच लंच रखोगे तो बच्चे आएंगे सारे, है 1 बजे के बाद लंच वंच रखवा रहे हो तो बच्चे पहुंच जाएंगे सारे। तो ये अभी अभी अरुण सर ने लाइव में अनाउंस किया, अरुण सर पार्टी दे रहे हैं सबको, ठीक है। अरुण सर का खर्चा वर्चा भी ये देखें भाई, हमने तो पार्टी वार्टी का प्रोग्राम कोई रखा नहीं था अरुण सर का दिल बहुत बड़ा है सर अरुण सर का, सर अरुण बिल्कुल सर यार कैसी बात कर रहे हो बताओ, ठीक है। अरुण सर पढ़ाते हैं फाइनेंस, तो वो ना वो दिमाग में पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल करके चलते हैं, और मेरे ख्याल से अब तो सर का प्रोफेशनल के अंदर पेपर भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो उससे बेस्ट तो फिर बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो अच्छा सर एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि हम प्रोफेशनल में कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाला, ताकि थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी भी आए कि बच्चा सोच क्या है कि कौन मुझे क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सर अंकुश बिल्कुल सर आपसे पूछ जाता हूँ कि आप क्या प्रोफेशनल में JIGL बच्चों को पढ़ाएंगे आप? सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो सर मैं प्रोफेशनल के अंदर ड्राफ्टिंग पेपर टीच करूंगा जो कि JIGL की ही एक्सटेंशन है, JIGL पेपर की ही एक्सटेंशन है ड्राफ्टिंग। एंड ऑडिट पेपर मैं डील करूंगा, और एक इलेक्टिव पेपर है CSR, तो वो पेपर। और सर बड़ा मजा आने वाला है, एग्जीक्यूटिव में जो JIGL पढ़ा था उसके एक वास्ट वर्जन, जो वहां अधूरी कॉन्सेप्ट रह गए ना, अधूरी कहानी, वो फाइनल में आके पूरी करने वाले हैं हम लोग।
बहुत मजा आएगा फाइनल में, आओ एक बार मीटिंग पे। बट ये चाहेंगे एक बार सेशन में आप लोग आओ सर, एक बार ना एड्रेस और जरूर मेंशन कर देना बच्चों को जहाँ वेन्यू पे आना है उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक कर है। देंगे जीडी सर तुसी की बिल्कुल कर पढ़ाओगे? चलो देंगे सर। मेरा तो वन एंड ओनली सब्जेक्ट जो जी सर, बच्चे ये भी जानना आप चाहते हैं क्या आपकी वाइफ भी कुछ लेने वाली है इस बार? है ओहो आपकी वाइफ भी मेरी कुछ फाइनल बढ़ाने वाली है क्या? मेरी मेरी वाइफ आजकल मेरी टर्मिनोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर रही है, मेरी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव कर रही है अच्छा, तो वो बच्चों को लेक्चर इंग्लिश की से मेरा टीचर है ना वो? इम्प्रूव वर्जन दिखेगा। तो अभी हाँ तो सर वन एंड ओनली सब्जेक्ट मेरा सीएस प्रोफेशनल का जो मैं हमेशा से लेता आ रहा हूँ ईएसजी, जो अच्छा पहले सर, एथिक्स के नाम से था अभी न्यू सिलेबस में ईएसजी है, तो वही सब्जेक्ट मेरा बढ़िया से हमेशा से लेता आया हूँ मैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना एक्सपीरियंस मेरे को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है और जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसको पूरी तरीके से बच्चों के साथ शेयर करूं और बढ़िया से उनका सब्जेक्ट क्लियर करवाऊं। चलो सर बहुत बढ़िया सर। और बाकी अरुण सर क्या लेंगे? वो अरुण सर नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। अरुण सर देखो एक ही पेपर, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक जब से सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया फाइनेंस सर के रोम रोम में समाया हुआ है। और एसएम एग्जीक्यूटिव में सर पढ़ा पढ़ा के उसके अंदर कहते हैं ना मंझे हुए खिलाड़ी, तो मुझे लग रहा है कि अब जो सर का प्रोफेशन के अंदर पेपर है ना कॉर्पोरेट फाइनेंस और एसएम, और एसएम सर आई थिंक 40 नंबर का है, बिल्कुल सर, फोर्टी एसएम वन 40 नंबर का है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस उसके बारे में डिटेल में तो सर ही बताएंगे, बट मैं इतनी सी बात बोलूंगा उस पेपर को लेने के बाद ना अगर आपने वो अरुण सर से पढ़ा है, ये लोग बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे ही पूछ सकते हो, उस पेपर को लेने के बाद आप दिल से ये जरूर मेरे को भी थैंक यू बोलोगे, सर को भी बोलोगे कि सर वाकई जो चीज हमने पढ़ी है ना पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा, मतलब उस अलग लेवल की नॉलेज, मतलब चाहे वो एसएम हो चाहे वो कॉर्पोरेट फाइनेंस, और आई थिंक सिक्योरिटी लो में सर आईसीडीआर के लेक्चर आप अगर एक बार यूट्यूब पे रखे देखो, मतलब क्या इन डेप्थ एनालिसिस है, उससे बेस्ट मेरे को लग रहा ऑल ओवर इंडिया में कोई एनालिसिस दे सकता है। बातें बहुत हैं, वादे बहुत हैं, बट मैं कहना चाह रहा हूँ एक बार अगर आपने अरुण सर की क्लास देख ली प्रोफेशनल में उसके बाद आप फैन नहीं हो गए फिर आप मुझे बोल देना। जी अरुण सर सर अब आप भी बता दो, आप क्या कर रहे हो मैं सीएस सर प्रोफेशनल में? हाँ मैं जी सर सर, मैं पढ़ाऊंगा। देखो मेरे मेरे पास एक ही पेपर है, और जो बच्चे कहते हैं कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो पेपर है सीआरआई और आईबीसी का, बट मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। मतलब कई बार क्या होता है कि राइट हम ना मतलब जैसे एडवांस टेक्स में पढ़ाता था तो एडवांस टेक्स ना बच्चा कहता था टेक्स हो गया, हुआ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट मुझे लगता है कि हर एक चीज को पढ़ने का पैटर्न है। बिल्कुल सर, आप अगर बच्चे को कह दोगे ना ये ब्रह्मांड है तो बच्चा ना उसको ये उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। मैं कह रहा हूं अगर ब्रह्मांड है तो वो किसी ने बनाया तो है ना, तो उसकी बिल्कुल एक लिमिट तो है नहीं ना। सर, अगर आपने करंट बैच के अंदर ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक एक बच्चा आपकी क्या तारीफ कर रहा है, मतलब आपने क्या आईबीसी पढ़ाया है, क्या सीआर पढ़ा रहे हो आप, मतलब लिटरली सर, मतलब बच्चे को ना आपने जस्टिफाई करा कि जिस इन डेप्थ नॉलेज आपने एडवांस टेक्स की दी थी ना, वो सेम वैसी ही सेम, उससे मेरे को लग रहा है कि आप ज्यादा डूब गए हो सीआर के अंदर सर वो पेपर और ही ऐसा आईबीसी है, सीआर। मतलब वो ना पेपर ही है। हाँ जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो उससे पहले मतलब मेरे को लगता था कि यार चलना, मतलब जब बेयर लो की बात आती है ना सर, चाहे वो आईबीसी हो चाहे हाँ वो इनकम टैक्स एक्ट हो, मतलब मुझे लगता है बेयर लो मींस बेयर लो, तो जब बिल्कुल सही उसमें बात एनालिसिस होता है ना तो मतलब बच्चा उसमें जब डूब जाता है बच्चा को लगता है यार ये पॉइंट तो हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा था, तो है। वो एक अलग हाँ ही लेवल की समझ फीलिंग आ पाए, आती है। मतलब वो एक अलग ही लेवल बिल्कुल की फीलिंग है। और मैं यही बोलूंगा कि प्रोफेशनल अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपने एग्जीक्यूटिव हमें बहुत ट्रस्ट किया, प्रोफेशनल पे अब ट्रस्ट आपने नहीं करना, हमने आपको शो करवा देना इतना ट्रस्ट आपको, मतलब अपने आप ही हो जाएगा। आप अगर एक दो क्लास तीन क्लास आप बैठोगे ना आपको फील होगा कि भाई साहब जो कंटेंट जो क्वालिटी जो एनालिसिस जो इंटरप्रिटेशन है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, बाकी हम सारी की सारी बातें करेंगे 1 तारीख को। 1 तारीख को बहुत सारी बातें हमें करनी है, मिलना है, आपके डाउट्स हमें सोल्व करने, देन फिर हमारे नए बैचेस स्टार्ट कब से होंगे वो 1 तारीख को अनाउंस करेंगे। 1 तारीख को स्पेशल कुछ आपके लिए रखा भी हुआ है, क्या पता वो क्या ऑफर है मुझे भी नहीं पता, वो 1 तारीख को ही खुलेगा। तो 1 तारीख को हम मिल रहे हैं 11 बजे, सारे बच्चे फ्राइडे को 11 बजे लक्ष्मी नगर, और यूट्यूब पे लाइव भी हमारा सेशन होगा। जी सर और कुछ बात कहना चाहते हैं? सर बस मेरे को था कि बच्चों को ये बता देते हैं कि एडमिशन हमारा फाइनल का ओपन है इस समय, हाँ और जो भी ओपन बच्चा एडमिशन करवाना चाहे वो डेफिनेटली नीचे गूगल फॉर्म का लिंक आया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, टीम आपको कॉल करेगी। और प्लस सर कम्युनिटी पे सर मैं चाह रहा था कि एक बार ही हम लोग फीस वगैरह के जो भी शेड्यूल साउंड ठीक है पैकेजेस निकाले हुए हैं
वो भी हम साथ में डाल देते हैं ताकि वो प्रोसेस पैरेलल में जिसने एनरोल करना है वो करता रहेगा। ठीक है सर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल देते हैं सर, जैसे लास्ट टाइम किया था ना कि हाँ, बच्चों को जिसको भी कोई डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो जी फटाफट से आ जाओ, वेलकम इन सीएस प्रोफेशनल। अलग ही दुनिया, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। और वो आपको एक तरीको ही फील आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीको हम थोड़ा सा पेपर का फील भी देंगे कि हर पेपर में क्या पढ़ने को मिलेगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हमें करना क्या आगे फ्यूचर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड सर ब्लेस यू। सर एक एक जी सर फाइनल फाइनल एग्जी के साथ मिक्स करके तो नहीं पढ़ा रहे आप? सर देखो, अरे हम मेरा नहीं तो करते। मेरा सीआर है सर, मैं पढ़ाता हूँ एग्जी में टैक्स, ठीक है। मेरा तो कहीं से मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। और आईबीसी एक अलग दुनिया है, उसका भी आप बताओ, मेरे को तो आप पे डाउट है। आप ये काम तो नहीं करोगे? नहीं सर, मेरा बिल्कुल सिक्योरिटी लॉ का एकदम सेपरेट बैच है, एकदम जबरदस्त वाला। और वैसे भी सर बिल्कुल लेवल भी अलग, सिक्योरिटी लॉ में जब हम एग्जीक्यूटिव बच्चे को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल छोटे लेवल से हमें उसको उठाना होता है। फाइनल का बच्चा मेच्योर्ड होता है, उसको एक्चुअली में उस लेवल पे ही हमें जस्टिफाई करना होता है जो एक्चुअली में आईसीएसआई भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल मिक्सिंग का कोई मतलब ही नहीं है, बट मेरे को लगता है बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग मिक्सिंग करते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ताकि ये ना हो कि आप वो ट्रैप में आ जाए इस तरह के। ठीक नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो जी, तो मिलते हैं बहुत जल्दी 1 तारीख को 11 बजे सेशन के अंदर, फिर आपके डाउट्स हम लेते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय थैंक यू बाय। सो मच।